नमस्कार, मैं अर्दमन एग्ज़ाम कार्ट लाइव में आपका स्वागत करता हूँ। एग्ज़ाम कार्ट लाइव में आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम की, जो क्लास सिक्स के लिए हुआ था। उसमें बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं लेकिन कुछ ही बच्चों को एडमिशन मिल पाता है, तो जो बच्चे रह जाते हैं वो हमेशा इसी कारण चिंतित रहते हैं, आखिर उनकी ऐसी क्या कमी रही जिस वजह से उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाया। उन्होंने यूट्यूब पर 10-10, 12-12 घंटे की मैराथन्स की लेकिन फिर भी वो एडमिशन लेने में पीछे रह गए। तो आने वाले वर्षों में जो छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं उनके साथ ऐसा ना हो, इसी के लिए हम ये सीरीज़ लेके आए हैं कि आपको पता चले कि आखिर बुक ऐसी कौन सी बुक है जिसमें 65% से अधिक क्वेश्चंस के आंसर आपको सीधे सीधे मिल जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऐसे हैं जिन्हें आप उन टॉपिक्स को पढ़ते हो तो आसानी से कर पाओगे 65% से ज़्यादा भी, और आप अपना एडमिशन सुनिश्चित कर पाओगे। तो ये बुक है अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ट की ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए स्टडी गाइड बुक है, और इस स्टडी गाइड बुक को इस तरीके से बनाया गया है कि आप अगर इसे पढ़ते हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं और आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी कर पाते हो कि कितने टाइम में करें, कितने टाइम, कितनी जल्दी करना चाहिए। क्योंकि कई बार बच्चों को ये देखा गया है कि वो एग्ज़ाम तो करते हैं, वो ये कहते हैं हम कर लेंगे लेकिन टाइम कम पड़ जाता है। तो उसी को देखते हुए ये बुक चारों तरफ से सोच के हर तरीके से बनाई गई है, जिसमें सबसे पहले आपको कंप्लीट थ्योरी मिलती है सिलेबस वाइज। आप इसे पढ़ते हो तो पूरी थ्योरी आप पढ़ने के बाद आप चाहते हो कि आपने इसमें से कुछ सीखा है या नहीं, उसके लिए आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप कर लेते हो फिर आपको ये जानना होगा कि आखिर जो पेपर आएगा किस तरीके के आएगा और उसमें हम कितने क्वेश्चनों के आंसर कर पा रहे हैं, तो उसके लिए इसमें मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं। और अगर आप ये भी जानना चाहते हो जो पिछले वर्षों में पेपर्स हुए हैं वो आखिर कैसे थे, कितने क्वेश्चंस किस चैप्टर से आए थे, तो उस सब के लिए सॉल्व पेपर पिछले सालों के यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इसमें मेंशन है। ये पूरी एक कंप्लीट स्टडी गाइड बुक है जिससे आप अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके अपना एडमिशन ले सकते हो। तो अब मैं कह रहा हूँ कि 65% से अधिक इस बुक से क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं, तो आखिर आप ये भी कहोगे कि हम कैसे मान लें। तो उसके लिए विद प्रूफ हम लेके आए हैं आपको 25 में से 15 क्वेश्चन जो डायरेक्ट मिले हैं इस किताब से, उसके स्क्रीनशॉट के किस पेज नंबर पे उसका आंसर दिया गया है। तो उस पेज नंबर को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। आपका ये क्वेश्चन नंबर 101 है पेपर का। हम काम के लिए ऊर्जा मुख्यतः प्राप्त करते हैं प्रोटीन से, विटामिन से, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट से या खनिज से। इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन दिया गया है। इसका आंसर देखने के लिए हम बुक के पेज नंबर 87 को देखते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स के बारे में लिखा हुआ है, जो हमें बताता है कि हमें मैक्सिमम एनर्जी काम करने के लिए इन्हीं से प्राप्त होती है। तो इसका आंसर जो आपका सही है ऑप्शन नंबर 3, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए पर्वतों पर चलना कठिन होगा क्योंकि वे आलसी होते हैं, नहीं, पहाड़ी रास्ते पथरीले एवं उबड़ खाबड़ होते हैं, हाँ ये हो सकता है, पहाड़ी रास्ते बहुत सुगम होते हैं, ये तो नहीं है कि पहाड़ी रास्ते सुगम होते हैं, पहाड़ों पर कोई परिवहन साधन नहीं होता है, ऐसा भी नहीं है, पहाड़ों पे परिवहन साधन अब होता है, तो और नहीं भी होता है, कुछ जगह ऐसी भी हैं, तो यह भी हो सकता है। चलिए देखते हैं, बुक का पेज नंबर 36 है जिस पे दिया गया है माउंटेनिंग के बारे में। माउंटेनिंग मींस क्लाइंबिंग अप ए माउंटेन, इट इज मोर डिफिकल्ट देन वॉकिंग ऑन अ रोड ड्यू टू अनइवन रिलीफ, समटाइम्स लैंडस्लाइड्स टेक प्लेसेस एंड Undulation relief creates difficulty in climbing a mountain. We should climb a mountain very slowly, otherwise breathing trouble can happen due to undulating relief. Almost caution is required. Our body temperature increases while climbing the mountain. Hence, we should drink water at regular intervals. Monkeys are found in plenty in these regions, so we should climb with our elders. Yani ki ये जो क्वेश्चन है इसमें साफ साफ लिखा है कि पहाड़ी रास्ते पथरीले एवं ऊबड़ खाबड़ होते हैं, सिर्फ इसी वजह से मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोग नहीं चढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर उन्हें हैबिट नहीं होती है सांस फूलने लगेगी क्लाइंबिंग करते टाइम, तो इसका ऑप्शन का आंसर आपका ये सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। चार मीनार कहाँ अवस्थित है? जैसलमेर, पुरी, औरंगाबाद, हैदराबाद। इसका आंसर आपको बुक के पेज नंबर 17 पर मिलता है। चार मीनार कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, हैदराबाद तेलंगाना में। यह डिस्क्रिप्शन में भी इसके बारे में डिटेल्स दिए।
और ये सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, इस पेज नंबर पे पूरी लिस्ट है जो कौन सी इमारत कहाँ पर है और किसके द्वारा बनवाई गई है। तो आप बुक के द्वारा इसे पढ़ सकते हैं बड़ी आसानी से, यानी कि इसका आंसर आपका हैदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूर्ण करती है? ऑप्शंस दिए गए हैं और ये बुक के पेज नंबर 24 पर दिया गया है रिवॉल्यूशन, जिसके बारे में लिखा है ये इट टेक्स 365 एंड 1/4 डेज, आपका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107, आप सूर्य के नीचे पानी से भरा एक गिलास रखते हैं, 2 दिन बाद गिलास खाली हो जाता है, पानी कहाँ गया? वह वाष्पीकृत हो गया, वह संघनित हो गया, वह जम गया, वह नाइट्रोजन में परिवर्तित हो गया। तो इसका हम देखते हैं पेज नंबर 101 है जिसपे इवेपोरेशन के बारे में लिखा है। ये सिर्फ एक स्क्रीनशॉट है इवेपोरेशन का, बल्कि इस बुक में जितने भी टॉपिक्स क्रिएट हो सकते हैं इससे रिलेटेड वो सारे दिए गए हैं, यानी कि इवेपोरेट हो जाता है, इट्स वह बाष्पीकृत हो गया, ये इसका आंसर है। जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे अच्छे से तो आप बड़ी आसानी से इसका आंसर दे पाओगे। बिहू नृत्य का संबंध किस राज्य से है? असम, गुजरात, बिहार, पंजाब। पेज नंबर 43 पर दिया गया है डांस ऑफ असम, सम ऑफ द कॉमन डांस फॉर्म्स ऑफ असम आर बिहू, ये बिहू के बारे में दिया गया है। और इसी तरीके से बुक में काफी ऑल इंडिया से जो मुख्य नृत्य हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है। आप किताब से पढ़ेंगे तो आने वाले एग्जाम्स में आप जो भी क्वेश्चन और आएंगे इससे रिलेटेड उनके आंसर बड़ी आसानी से दे पाएंगे। इसका आंसर असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य जानवरों को खतरे की चेतावनी देते समय लंगूर की कौन सी अतींद्रिय सक्रिय हो जाती है? ये आपका बुक के पेज नंबर 80 पर लिखा है, हाई अप ऑन ए ट्री अ लंगूर वार्न्स अदर्स ऑफ डेंजर्स लाइक अ टाइगर और लेपर्ड, द लंगूर डज दिस बाई मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल, यानी कि वार्निंग वार्निंग कॉल करता है ध्वनि की गतिंद्री अतिंद्री सक्रिय हो जाती है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से किस पशु में सूंघने की अत्यधिक क्षमता है? खरगोश, चींटी, बिल्ली, बंदर, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पेज नंबर 80 पर आंट्स के बारे में दिया गया है, जिससे आप पढ़ के ये पता लगा पाओगे कि इसका ऑप्शन सही चीटी है। इसी तरीके से सिर्फ चीटी के बारे में नहीं, अदर स्पीसीज के बारे में भी दिया गया है कि किसमें कौन सी क्षमता है और कौन किसके लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115, निम्न में से कौन सा एक अनवीनीकरणीय संसाधन है? पेट्रोल, वायु, बायोगैस, सौर। पेज नंबर 29 पर देखते हैं, फॉसिल फ्यूल्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि वो रिसोर्सेज जिन्हें दोबारा से रिन्यू नहीं किया जा सकता है। फॉसिल फ्यूल्स आर बरीड डिपॉजिट्स ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट गॉट डिपॉजिट अंडर सेवरल 1,000 फीट ऑफ सिल्ट, दीज डिपॉजिट्स डिकेड विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड गॉट कन्वर्टेड टू नेचुरल गैस, कोल एंड पेट्रोलियम ड्यू टू द एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर इन साइड द अर्थ अर्थ क्रस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? पेट्रोल, ये नॉन रिन्यूएबल है। सिर्फ यही एक स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं, बल्कि किताब में इससे ज्यादा और डिटेल्स में और अदर रिसोर्सेज के बारे में भी दिया गया है, जिसे आप पढ़ के नेक्स्ट एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन काफी आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लार्वा आयु में टेडपोल किस पशु से संबंधित है? कुत्ता, बाघ, मेंढक, बकरी, इसका आंसर आपको बुक के पेज नंबर 92 पर मिलता है, एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। ये आपको कुछ 4 से 5 का स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, उसमें करीब 50 से 60 दिए गए हैं बुक में। फाउल का चिक या चिकन, फॉक्स का कव या पफ, फ्रॉग का पॉलीवॉग या टेडपोल, गॉट का किड, गूज का गूजलिंग, ये हैं, यानी कि इससे आपको पता चलता है कि ये मेंढक इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, चील, गरुड़ एवं गिद्ध जैसे पक्षी कितनी दूरी से भी देख सकते हैं? इसके लिए सम वर्ड लाइक काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स कैन सी 4 टाइम्स एज फार एज वी कैन, दैट इज दीज बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स व्हाट वी कैन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, यानी कि आप देख सकते हो कि इस टॉपिक को पढ़ के आप पता कर सकते हो कि
वो कितना देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीजों को कीटों से बचाने के लिए डिब्बे में बीजों के साथ कौन से पत्ते रखे जाते हैं, नीम, बरगद, केला, आम। बुक का पेज नंबर 55 है, स्टोरेज के बारे में दिया गया है कि बीजों को हम किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। ग्रेन्स ऑब्टेंड बाय थ्रेसिंग आर ड्राइड इन द ओपन, द ड्राइड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन गमी बैग्स एंड प्लेस्ड इन प्रॉपरली वेंटिलेटेड सेंटर्ड हॉल्स नोन एज गुडवॉन्स। एट होम ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड बाय प्लेसिंग नीम लीव्स टू कीप द पेस्ट अवे। यानी कि इसमें दिया गया है कि नीम की पत्तियां रख के हम उसे स्टोर कर सकते हैं। इसका आंसर नीम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग शरीर का तापमान मापने के लिए किया जाता है, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर। तो इसके बारे में बुक के पेज नंबर पर 77 पर दिया गया है। थर्मोमीटर के बारे में, जो मेजर टेम्परेचर करता है, गैलीलियो ने इसे बनाया था। ये सिर्फ कुछ स्क्रीनशॉट हैं, ऐसे ही काफ़ी दिए गए हैं बुक में। क्वेश्चन नंबर 124, भारतीय ध्वज के केंद्र में स्थित चक्र में कुल कितनी अराएं हैं, यानी कि अराएं मतलब तीलियां, जो भारतीय ध्वज होता है उसमें चक्र होता है उसमें कितनी तीलियां दी गई हैं। ऑप्शन दिया गया है 26, 24, 21, 28। इसके बारे में बुक के पेज नंबर 70 पर दिया गया है। नेशनल फ्लैग तिरंगा, तिरंगा के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसमें यह दिया गया है 24 स्पोक्स। इस सीरीज में एक हम बना चुके हैं क्लास जिसमें हमने सब्जेक्ट GS के बारे में बात किया था, सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में किस किताब से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाओगे, अधिक से अधिक क्वेश्चन कर पाओगे, वो है अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की स्टडी गाइड, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाई गई है, जिसमें आपको कंप्लीट थ्योरी मिलती है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर भी इसी में आपको मिलता है और उसके साथ में आने वाले पेपर के लिए बनाए गए हैं मॉक टेस्ट, जिन्हें आप करके देख सकते हो कि आप पेपर कितने अच्छे से पूरे टाइम में कर पा रहे हो, पूरा पेपर कि नहीं, जितना टाइम मिलता है, या अभी आपको और अपग्रेड करने की आवश्यकता है। तो ये स्टडी गाइड बुक आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाई गई है, जिसे पढ़ के आप 65% से अधिक क्वेश्चन करना सुनिश्चित कर सकते हो और बल्कि इससे ज़्यादा ही कर पाओगे, क्योंकि जब आप ये स्टडी गाइड बुक पूरी पढ़ लोगे तो क्वेश्चंस को कम समय में और अच्छे से कर पाओगे। चलिए हम देखते हैं, ये आज इंग्लिश की पेपर एनालिसिस है जिसमें हम देखते हैं कि कितने क्वेश्चन डायरेक्ट इस किताब से मिले हैं हमें। ये यहाँ पे 25 है, 25 में से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट विद स्क्रीनशॉट इस किताब से मिले हैं, और उसके अलावा कुछ रूल्स पे होते हैं और कुछ क्वेश्चंस अदर कॉन्सेप्ट पे होते हैं, जिन्हें आप जब इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लोगे तो अवश्य ही कर पाओगे। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम का, ही इज ऑनेस्ट ऑफिसर। इसका आंसर आपका ये पेज नंबर 101 है, जिसमें यूजेज ऑफ आर्टिकल दे रखे हैं। यूजेज ऑफ आर्टिकल में एन का यूजेज दिया है, जिसे आप पढ़ के इसका आंसर बड़ी आसानी से लगा पाओगे कि इसका आंसर एन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, द सन सेट्स इन द वेस्ट। यानी कि इसमें पूछा गया है कि कौन सा सेंटेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये बुक का पेज नंबर 131 है, जिसपे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में दिया गया है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस का दिया गया है कि फॉर्म दी गई है किस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है। उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, या फिर एस या ईएस होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें देखते हैं हम, ये सबसे पहले तो सब्जेक्ट दिया गया है, फिर ये फर्स्ट फॉर्म दी गई है जिसमें एस या ईएस लगा हुआ है, और ये इन द बेस्ट, ये आपके अदर वर्ड होते हैं, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक ऑफ द प्रोडक्ट्स, अगेन ब्लैंक, गुड। यानी कि इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, क्वालिटी इज, क्वालिटी आर, क्वालिटी वर, क्वालिटीज इज। तो
इसका आंसर हम देखते हैं बुक के पेज नंबर 1021 पर ये क्वेश्चंस दिए गए हैं और इसके ऑप्शंस और सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। तो जब आप इन क्वेश्चंस को करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ वर्ड्स हैं जिनके थ्रू आप किस तरीके से इसका आंसर दे सकते हो। जैसे कि इसमें हम क्वालिटी तो आना ही तय है, ये तो फिक्स है, लेकिन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, कुछ स्टूडेंट्स ने इसमें दीज प्रोडक्ट्स देख के आर लगाया है, लेकिन इसका आंसर इज है, क्योंकि जो इज आ रहा है वो क्वालिटी के लिए आ रहा है और क्वालिटी सिंगुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इट इज बिलीव्ड दैट अ पश्मीना शॉल इज एज वार्म एज। ये पैसेज से आया है, जो उसमें पैसेज दिया गया है पेपर में, उस पैसेज से ये क्वेश्चन है। तो हमने बुक का जो चैप्टर है उसमें पैसेज के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं 1 से लेके 119, मतलब करीब 119 क्वेश्चंस दिए हैं पैसेजेस से कि किस तरीके से सॉल्व करना है, वो बुक में दिया गया है। आप बुक को परचेस करके जब पढ़ोगे और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आप ज़रूर इन क्वेश्चंस को पैसेज में से कैसे ढूंढना है, किस तरीके से करना है, ज़रूर कर पाओगे। चलिए हम जो क्वेश्चंस आए हैं पेपर में उन्हें देखते हैं। इट इज़ बिलीव दैट अ पश्मीना शॉल इज एज वार्म एज 6 स्वेटर्स, ये आपका पैसेज में दिया गया है। उसके बाद चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, द गॉड सेड सम ऑफ देयर हेयर इन समर, यानी कि जो बकरियां या भेड़े हैं वो अपने कुछ बाल गर्मी सर्दियों में गिरा देती हैं और गर्मियों में गिरा देती हैं। द गॉड्स सेड सम ऑफ देयर हेयर इन विंटर, द गॉड सेड सम ऑफ देयर हेयर इन रेनी सीजन, द गॉड सेड सम ऑफ देयर हेयर इन स्प्रिंग। तो इसका पैसेज से हमें आंसर करना है, जो पहला ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आफ्टर ऑलमोस्ट ऑफ वेविंग वन प्लेन पश्मीना शॉल इज मेड। मतलब पेज नंबर वही है, ये पैसेज से दिया गया है, 250 आवर्स है, मैंने पैसेज पढ़ा है, इसमें पैसेज आपका अभी मेंशन नहीं है। तो जब हम पैसेज पढ़ते हैं तो उससे पता चलता है कि कम से कम 2.5 घंटे तक बुनाई करने के बाद एक पश्मीना शॉल, 250 घंटे तक बुनाई करने के बाद पश्मीना शॉल बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कोट ऑफ बाम हेयर ग्रोज ऑन द गॉड्स बॉडी विच प्रोटेक्ट्स इन इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ हेयर फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इसका आंसर आपका नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो हेयर के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट, चूज द ऑप्शन ऑफ थिक, अपोजिट ऑफ थिक, यानी कि जो आपका अपोजिट है थिक का, वार्म, सॉफ्ट, थिन, फाइन, ये बुक के पेज नंबर 148 पर दिया गया है थिक का अपोजिट। आंसर 20 का वी है, थिन, इसका राइट आंसर थिन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फॉर्म द गिवन ऑप्शंस। इन ऑप्शंस में एडजेक्टिव हमें आइडेंटिफाई करना है। बुक के पेज नंबर 115 पर एडजेक्टिव की डेफिनेशन दी गई है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड्स सम मोर मीनिंग टू ए नाउन और प्रोनाउन, यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं, यानी कि इसमें से Found, words, remains, ये adjective नहीं हो सकते हैं। High, यानी कि ऊंचा, जैसे कि कोई building है वो बहुत ऊंची है तो high, ये आपका adjective हो जाएगा। Choose the correct spelling, receive, 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 book के page number 159 पर दिया गया है, receive, receive, यानी कि right spelling ये है आपका, ये option सही है। Next question, फिल इन द ब्लैंक विथ सुइटेबल क्वेश्चन टैग, आई नीडंट आस्क हिम, यानी कि इसमें क्वेश्चन टैग लगाना है, ये आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आता है। बुक के पेज नंबर 139 पर क्वेश्चन दिया गया है, वी वॉन्ट वी लेट, इसका आंसर वी है, यानी कि विल वी, ये नेगेटिव दिया है, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आया है। ये आपका एक क्वेश्चन दिखाया है, बुक में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया गया है कि आप किस तरीके से इसे कर सकते हो, इसका आंसर हो जाएगा नीड आई। Complete the sentence with the correct form of verb. The train blank suddenly is stopped, stopped, was stopping, has stopped. इसके लिए बुक के पेज नंबर 121 पर
प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें दिया गया है 36, 39, 38। ये क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करते हो तो बड़ी आसानी से आप इसे लगा पाओगे कि द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चूज द सेंटेंस हैविंग इंट्रासेटिव वर्ब, इंटेंसिटिव वर्ब, बॉयज फ्लाई काइट्स, वर्ड्स फ्लाई, करीम रेन रेस, ही वॉन्ट हिज डायरी। बुक का पेज नंबर 119 है, जिस पे हम देखते हैं जो इसमें स्क्रीनशॉट मेंशन है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स और ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में पूरा लिख दिया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं वो इसमें जो आएगा ये वर्ड्स फ्लाई में आएगा, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब में काम होता है लेकिन कोई काम नहीं होता है। जैसे वर्ड्स फ्लाई उड़ रही हैं लेकिन चिड़िया उससे कुछ काम नहीं हो रहा है। और अगर ये वाला देखे बॉयज फ्लाई काइट्स, यानी कि बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो बच्चे उड़ा रहे हैं पतंग, उसमें काम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। फिल इन द ब्लैंक विद सुइटेबल कंजक्शन, आई डोंट नो, ही हैज गॉन और नॉट। बुक का पेज नंबर 128 पर दिया गया है। वेदर चॉइस, चॉइस के लिए आता है वेदर, आई विल प्ले वेदर, मदर लाइक्स और नॉट, मतलब मैं खेलूं मम्मी उसे पसंद करेंगी कि नहीं। इसका आंसर वेदर हो जाएगा, आई डोंट नो वेदर ही हैज गॉन और नॉट, मतलब कि मुझे नहीं पता है वो चला गया या नहीं गया। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुइटेबल आर्टिकल, राम इज स्टूडेंट हुम वी ऑल एक्सपेक्ट्स टू गेट लेस देन 35% मार्क्स। यानी कि इसका आंसर आपका आर्टिकल से ही है, बुक के पेज नंबर 101 पर यूजेस ऑफ आर्टिकल द के बारे में दिया गया है। इसके एग्जांपल्स भी दिए गए हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। क्या ऐसा संभव है कि एक किताब पढ़ो और एंट्रेंस एग्जाम पास हो जाए? ये सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम जो इस साल हुआ उसमें काफ़ी बच्चों ने एग्जाम दिए, कुछ तो एडमिशन ले गए, कुछ का एडमिशन नहीं हो पाया। तो क्या ये संभव है कि एक किताब पढ़ के आप एडमिशन ले लो सैनिक स्कूल में? आज हम बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम की उस गाइडबुक के बारे में, जिसे आप पढ़ के आप कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी उसी बुक में दिए गए हैं जिन्हें आप लगा के देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। और अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर भी देना चाहते हैं तो उन पेपर्स को भी इसमें समाहित किया गया है, जिन्हें दे के आप अपना आकलन कर सकते हैं कि आपको कितनी और पढ़ाई की आवश्यकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज ये सेशन, जिसमें हम बात करेंगे रीजनिंग पेपर की, जिसमें 65% से अधिक क्वेश्चन क्या एक किताब से आए हैं कि नहीं, विद स्क्रीनशॉट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। ये हमारे रीजनिंग का पोर्शन है, जिसमें 25 में से 17 क्वेश्चंस सीधे, ये क्वेश्चंस नंबर दिए गए हैं। ये सैनिक स्कूल का क्लास 6 के पेपर के बारे में वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखिए और देखिए क्या ये सच है कि इसी बुक से क्वेश्चन आए या नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 77 है पेपर का, जिसमें दर्पण प्रतिबिंब के बारे में बात की गई है। दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए, यह क्वेश्चन है, जिसमें ये कुछ आकृतियां दी गई हैं जिन्हें आपको चुनना है कि कौन सी आकृति इसमें सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारी बुक का पेज नंबर 228 है, जिसमें आपको सेम टू सेम उसी पैटर्न पे प्रश्न दिया गया है। ये प्रश्न की आकृति है और ये उत्तर आकृतियां हैं, यानी कि इसमें भी मिरर इमेज पूछी गई है, तो ये दर्पण इमेज इसमें कौन सी सही होगी ये बताना है। आप जब किताब में इस पेपर का सॉल्यूशन जो दिया गया है वो देखोगे, तो उस सॉल्यूशन को देख के आप इसका भी सॉल्यूशन बड़ी आसानी से कर पाओगे। तो ये आपकी क्वेश्चन इमेज है और ये ऑप्शंस इमेज हैं, तो यानी कि आपको दर्पण प्रतिबिंब देखना है तो कौन सी हो सकती है दर्पण प्रतिबिंब आपके अनुसार, यानी कि ये आपका सी ऑप्शन सही है इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। ये श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है, उसके ये ऑप्शंस दे रखे हैं, और बुक के पेज नंबर 200 पर आप देखते हैं कि सेम पैटर्न पे सेम क्वेश्चन ये दिया गया है, ए ई आई वी एफ जी
JCGK, यानी कि जो पैटर्न इसमें यूज हो रहा है वही पैटर्न इसमें यूज हो रहा है। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतनी डिटेल में बुक में दिया गया है कि आप उस सॉल्यूशन को जब करते हैं तो बड़ी आसानी से पेपर में कम समय में इस क्वेश्चन को करके आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहाँ से आया है किताब में, क्वेश्चन नंबर 79। ये दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है, सेम श्रृंखला पे आधारित सवाल है, 03 क्वेश्चन मार्क 15-20। देखते हैं कि ऐसा ही क्वेश्चन सीधे बुक में मिलता है, बुक के पेज नंबर 199 पर देखते हैं हम, तो मिलता है कि उदाहरण नंबर 2, 8, 12, 17, 23, 30, 38 ये क्वेश्चन है। इसमें पैटर्न ये हल दिया गया है, इसका हल कैसे करेंगे, +4, +5, +6, +7, +8, +9, यानी कि ये +9 करके इसका आंसर आया है 47। सेम इसी पैटर्न पे हम इसे कर सकते हैं 2, 3, 15, 24, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन है जो इसका आंसर आ जाएगा इसी पैटर्न से जब हम करेंगे तो 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, क्लॉक यानी कि दीवार घड़ी, समय थर्मामीटर, उसी तरीके से यहाँ पे दर्शाना है कि संबंध, संबंध के आधार पे कि क्लॉक का संबंध समय से है जिस तरीके से, उसी तरीके से थर्मामीटर का संबंध किससे होगा। तो क्या किताब में ऐसा कोई क्वेश्चन है, बिल्कुल है, जिस प्रकार घड़ी का संबंध समय से है उसी प्रकार मीटर का संबंध किससे होगा। सेम पैटर्न पर सेम क्वेश्चन, यानी कि इसका आंसर क्या हो सकता है, मीटर का संबंध दूरी, तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। थर्मामीटर क्या करता है, तापमान मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तुल्य रूपता को पूर्ण करें, यानी कि ये तुलना करनी है रीजनिंग के क्वेश्चन में, सी का 3 है तो एल का क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं किस पेज से आ रहा है, बुक के पेज नंबर 168 पर दिए गए हैं, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, इस तरीके से पूरा दिया गया है, तो एल का क्या है, 12। सीधा पेपर से पेज से सीधा आंसर मिल रहा है आपको, यानी कि इसका 12 आंसर हो गया। ये वो क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं जिसमें आपको सोचना ही नहीं है, अगर आपने किताब पढ़ी है तो आप सीधा आंसर दे सकते हो किताब पढ़ के। तुल्य रूपता को पूर्ण करें, शेर गुफा में रहता है, घोड़ा किस में रहेगा, अस्तबल में, इस टाइप का क्या क्वेश्चन है। जिस प्रकार जल का संबंध कुआं से है उसी प्रकार कोयला का संबंध किससे होगा, खान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, अन्य से भिन्न का चयन कीजिए, विद्यालय, महाविद्यालय, भोजनालय, विश्वविद्यालय, ये तीनों एक ही पैटर्न पे हैं, अलग क्या है, भोजनालय। उसी तरह से बुक के पेज नंबर 181 पर विषम को ज्ञात कीजिए, सेब, आलू, संतरा, अमरूद, यानी कि ये सब फ्रूट्स हैं और ये वेजिटेबल है, अलग है, इसी तरीके से यहाँ पे ये भोजनालय आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित को तुल्यता को पूर्ण रूप तुल्यता रूप तुल्य रूपता को पूर्ण करें, ये थोड़ा धुंधला है, स्क्रीनशॉट सीधा पेपर से लिया गया है, स्टार को ATRS लिखा गया है, प्लान को क्या लिखा जाएगा, तो ये सिंपल है, देखते हैं इसका, बुक के पेज नंबर 170 पर दिया गया है, किसी निश्चित कोड भाषा में मैनेजर को ये लिखा जाता है, REGANAM लिखा जाता है, तब मोशन को उसी कोड में कैसे लिखेंगे, तो इसका सॉल्यूशन जब आप बुक में देखेंगे तो बड़ी आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ नहीं किया गया है, फर्स्ट लेटर को लास्ट में ले गए हैं, उसके बाद सेकंड को सेकंड पे रखा है, थर्ड को फर्स्ट पे ले आए हैं और लास्ट वाले को सेकंड पे ले गए हैं, सिर्फ ये किया है। उसी तरीके से हम प्लान को लिख सकते हैं, यानी कि ये आपका हो जाएगा, पी को सबसे लास्ट में ले जाएंगे और एल को दूसरे नंबर पे ले आएंगे, एन को पहले पे ले आएंगे और ए को सबसे पहले पे, तो यानी कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ALNP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी गई श्रृंखला की लुप्त संख्या ज्ञात करें, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है 2, 5, 10, 26, इसके तरीके से देखते हैं कोई क्वेश्चन है क्या, बुक के पेज नंबर 199 पर देखते हैं हम, तो दिया गया है 8, 12, 17, 23, 30, 38 श्रृंखला का अगला क्वेश्चन, उसी तरीके से ये भी +4, +5, +6, +7, +8, +9, यानी कि उसी तरीके इसी पैटर्न पे आधारित करके आप उस सवाल का भी आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित तुल्य रूपता को पूर्ण करें, VDA का 7 है, CAV का क्या होगा, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हो सकता है। यदि D बराबर 4 है तो VAD बराबर 7 है, तब ANT का मान क्या होगा। इसका जो सॉल्यूशन है आप जिस तरीके से इसे करोगे उसी तरीके से आप उस क्वेश्चन को भी कर सकते हो जो आपके सीधे एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, अन्य से भिन्न को ज्ञात करें,
अन्य से भिन्न यानी कि ग्रीष्म ऋतु बसंत शरद, तो यहाँ पे भिन्न क्या होगा देखते हैं, क्या इस तरीके का कोई क्वेश्चन है। विषम को ज्ञात करें, पेज नंबर 181 पर, वर्ष महीना दिन कैलेंडर, यानी कि सेम टू सेम सेम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। आप अगर इन क्वेश्चंस को करके जाते हो तो आप पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं, अन्य से भिन्न को ज्ञात करें, यानी कि 121, 135, 99, 143 बुक के पेज नंबर पर 182 पर दिया गया है, 24, 28, 56, 42 यानी कि जो ये वाला क्वेश्चन है इनमें अन्य से भिन्न को ज्ञात करना है। सेम पैटर्न पे जो नंबर्स दिए गए हैं उनमें जो नंबर दिया गया है वो भिन्न कैसे है, तो आप इसमें बड़ी आसानी से निकाल सकते हो कि ये वर्ग हैं, इनमें कुछ 11 से मल्टीप्लाई है, 11 से गुणा किया गया है कुछ संख्याओं का और नंबर लाए गए हैं, और एक संख्या इसमें है जो 11 का गुणांक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अन्य से भिन्न को चुनिए, VEIKCEGIACEGBDFH इसका पैटर्न, विषम को ज्ञात करें, ये अंकों के योग पर आधारित है, यानी कि इसमें भी वही पैटर्न है जैसे उसमें, विषम को ज्ञात करने के लिए 272, 240, 210, 304 और इसमें भी आपको निकालना है कि ये किस पैटर्न से, जो पैटर्न इसमें तीन में फॉलो किया गया है वो चौथे में फॉलो नहीं किया गया है, वो वाला विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शब्दकोश में आने वाले क्रम में निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित कीजिए, यानी कि लेटर, लिटर, लेमन, लिटिल, लिजार्ड, इन्हें हमें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया है? बिल्कुल, बुक के पेज नंबर 174 पर नीचे निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए, केमिस्ट्री, चैम्बर, चीप, चीयरफुल, इनके जो सॉल्यूशन बुक में दिए गए हैं उस सॉल्यूशन को आप करते हैं, सीखते हैं, तो आप पेपर में आए हुए क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, चित्र ए और चित्र बी एक विशिष्ट ढंग से संबंधित हैं, विकल्पों में से वह चित्र चुनिए जो सी और चित्र डी के मध्य समान संबंध स्थापित करता है, यानी कि ये चित्र ए बी और चित्र सी डी ये जिस तरीके से संबंधित है उसी तरीके से हमें ये वाला निकालना है जो सी से संबंधित हो। क्या इस तरीके का क्वेश्चन कोई किताब में है? क्वेश्चन नंबर 22 पेज नंबर 223 पर प्रश्न की आकृति ये दी गई है और उत्तर की आकृतियां ये दी गई हैं, इनमें से चुनना है, यानी कि जिस तरीके से ये संबंधित है, जिस तरीके से ये संबंधित है उसी तरीके से हमें आगे वाला निकालना है। यहां छोटी आकृति बड़ी तथा बड़ी आकृति छोटी होकर नई आकृति में बदल जाती है, इस प्रकार इसका उत्तर विकल्प सी होगा। उसी तरीके से हमें उसमें देखना है कि इसमें जो ये घूम रहा है वो किस पैटर्न पे घूम रहा है, यानी कि ये वाला घूम के आपका पीछे आ गया तो ये वाला घूम के आके यहाँ पे आ जाएगा, पैटर्न पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित आकृतियों में कौन सी दिए गए चित्र का एक भाग है, यानी कि इस चित्र में से कौन सा भाग है जो इसमें सीधा सीधा लगाया जा सकता है, तो क्या इस तरीके का क्वेश्चन बुक में है? क्वेश्चन नंबर 3 और पेज नंबर 227 पर ये आकृति दी गई है, उत्तर आकृति जो इसमें समाहित होगी वो ये है, इनमें से चूज करना है, यानी कि सेम पैटर्न पे सीधे सीधे किताब से सेम पैटर्न के क्वेश्चन आपको पेपर में दिखाई देते हैं। अगर आप ये किताब पढ़ के जाते हो तो बड़ी आसानी से आप इन क्वेश्चनों को करके आओगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 को, कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, यानी कि 3, 4, 6, 6, 5, 15, 7, 2 यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ये निकालना है आपको। उसी तरीके का बुक का पेज नंबर पे 218 पेज नंबर पे जो आपका क्वेश्चन उदाहरण नंबर 1 दिया गया है उसमें भी सेम पैटर्न फॉलो किया गया है, 5, 3, 4, 19 इसका हल इस प्रकार दिया गया है। इसी पैटर्न से आप अगर इस क्वेश्चन को हल करते हो तो आप आंसर बड़ी आसानी से निकाल पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस सही चित्र का चयन कीजिए जो दी गई आकृति समूह को पूर्ण करेगी, यानी कि ये जो आकृति दी गई है इसमें कौन सा ऑप्शन लगाना चाहिए कि ये आकृति पूर्ण हो जाए, इस तरीके का कोई क्वेश्चन है? बिल्कुल है, बुक के पेज नंबर 223 पर निम्नलिखित प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करने के लिए उत्तर आकृतियों में से सही विकल्प का चयन करें। उत्तर आकृतियां ये दी गई हैं, इसमें से जो इसका सॉल्यूशन किताब में दिया गया है उस सॉल्यूशन को जब आप करोगे तो बड़ी आसानी से सीख पाओगे कि यहाँ पे हमें किस आकृति का चुनाव करना है जो इसे पूर्ण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुल्य रूपता को पूर्ण करें, क्रिकेट का बैट, हॉकी
का क्या है? तो ये देखने के लिए नेक्स्ट देखते हैं हम किस पेज से आया है। बुक के पेज नंबर 178 पर निम्नलिखित प्रश्न में दो शब्द दिए गए हैं, लेखक पेन, और यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शन में दो, यानी कि उसी तरीके से चुनना है हमें उस ऑप्शन को जो जैसे लेखक से पेन संबंधित है उसी तरीके से किससे क्या संबंधित होगा। तो इसका सॉल्यूशन डिटेल में दिया गया है किताब में, किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं वो भी बताया गया है। पहले कॉन्सेप्ट को डिटेल में हमने दिखाया है कि सिखाया है कि किस तरीके से करना है, उसके बाद क्वेश्चंस दिए गए हैं कि क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर को कैसे लाना है। तो ये रीजनिंग आपका खत्म हो चुका है। रीजनिंग के बाद शुरू होता है आपका मैथ। मैथ में कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आए हैं, इसमें भी 65% से अधिक क्वेश्चन डायरेक्ट किताब से आए हैं। अब आप कहोगे कि बाकी के 35% क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो मैं ये कहूँगा जब आप 65% का कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो वो 35% क्वेश्चंस आप बड़ी आसानी से कर पाओगे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट पे आधारित जब कोई दो सवालों के कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं तो आपको वो दोनों कॉन्सेप्ट लगा के उसका आंसर लाना है, और जब आप दोनों कॉन्सेप्ट जानते हो तो बड़ी आसानी से आंसर को ला सकते हो। चलिए देखते हैं आगे 50 में से 32 क्वेश्चन जो सीधे स्क्रीनशॉट के साथ विद कॉन्सेप्ट और विद एग्जांपल विद स्क्रीनशॉट आपको दिखाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से संख्या 199 का रोमन अंकों में सही निरूपण क्या है? तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये बुक के पेज नंबर 1 पर ही दिया गया है रोमन नंबर्स को कैसे सॉल्व करना है। जब आपको ये चीज आएगी तो आप उसका आंसर बड़ी आसानी से लगा पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी रोमन अंकों पे आधारित क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें आपको माइनस करना है, आपको रोमन अंकों का अगर ज्ञान होगा तो बड़ी आसानी से आप कुछ सेकंडों में ही इसका आंसर लगा दोगे। नेक्स्ट देखते हैं, वही पैटर्न है, वही कॉन्सेप्ट है, बस आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए और सेकंडों में आप आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, हरीश अपनी कार 45 किलोमीटर की घंटा से 12 किलोमीटर चलाने में वह कितना समय लगाएगा अगर 45 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलाता है? तो ये बुक का पेज नंबर 51 पर, सेम अ ट्रेन इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर? यानी कि इसका सॉल्यूशन ये दिया गया है, जब आप इस सॉल्यूशन से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो तो उस सवाल को भी सॉल्व कर लोगे। और ये सॉल्यूशन सीखने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए, ये स्टडी गाइड की बुक अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, जिस बुक को जब आप पढ़ोगे तो आप बड़ी आसानी से इन पैटर्न को, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं, 48 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 53 किलोग्राम, 55 किलोग्राम तथा 49 किलोग्राम वाले भार वाले 5 मित्रों का औसत भार क्या है? यानी कि एवरेज का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या इस तरीके का कोई क्वेश्चन है बुक में। पेज नंबर 29 पे एवरेज का फॉर्मूला दिया गया है और एग्जाम्पल दिया गया है, इफ 5 स्टूडेंट्स हैविंग मार्क्स, यानी कि अगर मार्क्स की जगह पे हम भार कर दें, वेट कर दें, तो सेम पैटर्न सेम क्वेश्चन बन जाएगा, और उसका एवरेज कैसे निकालना है हमें, जैसे ये सॉल्यूशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोसेफ ने 25,006% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिया, उसने 4 वर्ष पश्चात कितनी राशि चुकाई? देखते हैं बुक में, बुक का पेज नंबर 58, अमर बोरोज 800 एट 5% एनुअल इंटरेस्ट फॉर 3/2 ईयर्स, यानी कि 3.5 साल के लिए, फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय हिम, यानी कि इसका सॉल्यूशन ये दिया गया है। आप जब इस सॉल्यूशन को सीख लेते हो, करना सीख लेते हो कि किस तरीके से किया जाएगा, तो बड़ी आसानी से पेपर में आए हुए सवालों को कर पाओगे। ये भी ब्याज पे आधारित सवाल है, सेम पैटर्न से 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1800 की राशि 2610 हो जाएगी। पिछले वाले से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन क्या देखते हैं, क्या मेंशन है बुक में ये भी पैटर्न, इन हाउ मेनी ईयर्स अ सम ऑफ 500 एट 5% पर एनम विल अमाउंट ऑफ 600, यानी कि सेम पैटर्न है, यूजिंग वाई फॉर्मूला आप पिछला क्वेश्चन भी कर सकते हो। कॉन्सेप्ट सीखने के लिए नेक्स्ट ईयर जो भी एग्जाम देने वाले हैं, सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम, आई रिक्वेस्ट यू कि इस किताब को जरूर पढ़ के जाएं, आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप अपना एडमिशन सुनिश्चित कर पाओगे सैनिक स्कूल में। क्वेश्चन नंबर 37, दी हुई आकृति का परिमाप है, यानी कि ये जो आकृति दी गई है इसका परिमाप ज्ञात करना है, देखते हैं क्या इसकी तरह से कोई है। बुक का पेज नंबर 75, परिमाप ज्ञात करना बहुत आसान होता है, उसी तरीके से दिया गया है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फिगर सोन, ये वाला फिगर दिया गया है, इसमें पैरामीटर ज्ञात करना है, रिक्वायर्ड पैरामीटर किस तरीके से ज्ञात करना है, सॉल्यूशन दिया गया है, उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38,
पिंकी 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्र के 6 चक्कर लगाती है। श्रुति 160 मीटर लंबे तथा 120 मीटर चौड़े एक आयताकार क्षेत्र के 2 चक्कर लगाती है। कौन अधिक दूरी तय करता है और कितनी अधिक दूरी तय करता है? देखते हैं की तरह कोई क्वेश्चन है क्या। बुक के पेज नंबर 75 पर क्वेश्चन दिया गया है। मंजू रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 35 मीटर एंड ब्रेथ 20 मीटर। मीनू रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड यानी कि सेम पैटर्न है 30 मीटर। हु कवर्स लेस डिस्टेंस एंड वाई हाउ मच इफ मीनू टेक्स 4 राउंड्स एंड मंजू टेक्स 3 राउंड्स कंप्लीटली। सॉल्यूशन दिया गया है नीचे पूरा। आप इस सॉल्यूशन को सीख लेते हो तो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन कुछ ही सेकंडों में बड़ी आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग है। बुक का पेज नंबर 1000s। द नंबर फ्रॉम 1000 टू 9999 आर कॉल्ड 1000 नंबर्स। द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट आर 1000 एंड 9999 रेस्पेक्टिवली। यानी कि इसमें दिया गया है कि आपके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो सकती है, तो आप उन्हें ऐड करके बड़ी आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? तो विभाज्य के लिए हम देखते हैं पैटर्न, डिविजिबिलिटी रूल होते हैं कुछ। बुक के पेज नंबर 3 पर दिए गए हैं। सारे अंकों के डिविजिबिलिटी रूल दिए गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें मैक्सिमम स्क्रीनशॉट इंग्लिश के क्यों लगाए गए हैं। ये इंग्लिश की बुक के स्क्रीनशॉट्स हैं, लेकिन बुक्स इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। अगर हिंदी मीडियम वाले छात्र ये वीडियो देख रहे हैं तो वो ये ना सोचें कि बुक केवल इंग्लिश मीडियम में, बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, सेम पैटर्न सेम सॉल्यूशन सेम बुक है। तो आप हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम की बुक ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम की बुक ले सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल दिया गया है ये 3 का, और इसी तरीके से सारे अंकों का डिविजिबिलिटी रूल दिया गया है बुक में। आप इस डिविजिबिलिटी रूल को सीख के आप उसका आंसर बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 42 बोर्ड मास का है। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये बोर्ड मास का रूल दिया गया है बुक के पेज नंबर 26 पर। किस तरीके से यूज करना है वो भी दिया गया है। रिमेम्बरिंग पॉइंट भी दिए गए हैं और इसके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि आप किस तरीके से इसे सेट करके आंसर निकाल सकते हो। जब आपको ये रूल पता होगा बोर्ड मास का, तो आप बड़ी आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 44 पीली दाल और काली दाल 20 किलोग्राम मिश्रण में 4 किलोग्राम काली दाल है। मिश्रण में काली दाल और पीली दाल में अनुपात है। ये अनुपात का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या ऐसा कोई क्वेश्चन है। रेशियो 42, ये रेशियो के बारे में दिया गया है। द रेशनल नंबर ऑब्टेंड बाई यूजिंग द ऑपरेशन ऑफ डिविजन इन टू टू सेम क्वान्टिटीज इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ दीज क्वान्टिटीज। यानी कि जब ये रेशियो वाला चैप्टर आप पढ़ते हो, इसमें जो रेशियो के सवाल दिए गए हैं, उन सवालों को सॉल्व करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, आप उस क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से दे पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। बिन 5/8 का दशमिक रूप है, क्या इस तरीके का कोई क्वेश्चन है बुक में? बुक के पेज नंबर 17 पर हम देखते हैं। कन्वर्ट रेशनल नंबर्स टू डेसिमल नंबर, यानी कि 7/8 को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन ये है। आप इस सॉल्यूशन को सीखते हो बुक से तो आप 100% उसका आंसर कर पाओगे। जब आप घंटों घंटों की मैराथन देखते हो और उससे भी आपके पेपर में सॉल्व नहीं हो पाते हैं आंसर, तो आखिर कारण क्या रहता है? कारण रहता है कि एक टीचर पढ़ाने से पहले कुछ चीज़ों को छोड़ देता है, लेकिन एक किताब, एक स्टडी गाइड क्या करती है, वो सारी चीज़ों सारे कंटेंट को समाहित रखती है खुद में। और जब आप खुद पढ़ते हो तो सब कुछ सीख सकते हो और कुछ भी नहीं छूटता और पेपर में आप पास ही होते हो। 21 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योग है। बुक के पेज नंबर 2 पर हम देखते हैं। प्राइम नंबर्स दिए गए हैं, यानी कि ये प्राइम नंबर्स हैं। इन प्राइम नंबर्स में जब आप 21 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं को लिखते हो तो उनका जोड़ देते हो तो उनका योग आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। उसके लिए क्या चाहिए? आपको प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए। तो प्राइम नंबर्स बुक के पेज नंबर किस पे दिए गए हैं? 2 पर ही दिए गए हैं। जब आपको प्राइम नंबर्स पता होंगे तो प्राइम नंबर्स आप जोड़ के आसानी से आंसर दे सकते हो, जो 21 से छोटे हैं प्राइम नंबर्स। नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? अभाज्य संख्याएं सदा सम संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं सदा विषम संख्याएं होती हैं, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदा अभाज्य संख्या होता है, 2 अभाज्य संख्याओं का गुणन सदा भाज्य से भाज्य संख्या होती है। इसे हम किस तरीके से करेंगे? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में डिटेल्स में दिया गया है। ये सिर्फ आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाया जा रहा है,
इसके बाद भी इसके बारे में बताया गया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी कराए गए हैं। जब आप बुक में ये पढ़ते हो तो आसानी से उसका आंसर दे पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। 30 बच्चों को पार्टी दी गई, क्रमशः 450, 30, 300, 270 के पिज्जा बर्गर तथा शीतल पेय खरीदे। प्रत्येक वस्तु 30 बच्चों में बराबर बराबर बांटी गई। प्रत्येक बच्चे को दी गई सामग्री का मूल्य था निकालना है। मतलब इतनी चीज रुपए की पार्टी हुई तो एक बच्चे को कितने कितने रुपए का सामान मिला। उसी तरीके से देखते हैं हम पेज नंबर 29 पर दिया गया है 5 स्टूडेंट्स हैविंग मार्क्स। वही एवरेज का क्वेश्चन है, इसी आधार पे उसमें भी हमें एवरेज निकालना है। तो जब आप एवरेज निकालना जानते हो तो उसे आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। किसी परीक्षा में दिव्या ने 400 अंकों में से 340 अंक प्राप्त किए, उसके प्राप्त अंकों का प्रतिशत है। यानी कि प्रतिशत ज्ञात करना है। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बुक के पेज नंबर 35 पर हम देखते हैं सेम पैटर्न का क्वेश्चन दिया है। इन एन एनुअल एग्जाम शुभम गॉट 510 मार्क्स आउट ऑफ 725। हाउ मच अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज डिड ही गेट इन एनुअल एग्जाम। यानी कि ये सॉल्यूशन दिया गया है आपका, इस सॉल्यूशन को जब आप करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो उस क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से दे पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। धातु की एक छड़ को 120 डिग्री से सेंटीग्रेड तक गर्म किया गया, बाद में इसका तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड घट गया और तब इसका तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया गया। छड़ का वर्तमान तापमान क्या है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, बुक के पेज नंबर 84 पर दिया गया। इन द मॉर्निंग द टेम्परेचर वाज 10 डिग्री सेल्सियस एंड इट डिक्रीज्ड 3 डिग्री बाई द इवनिंग, व्हाट वाज द टेम्परेचर इन द इवनिंग। यानी कि पहले जितना टेम्परेचर था उसके बाद कितना घटा कितना बढ़ा, वही प्लस माइनस का सवाल है। सेम पैटर्न पर यह सॉल्यूशन दिया गया है, इसी सॉल्यूशन से आप उस सवाल को भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। एक बर्तन को 62 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म किया गया, बर्तन का तापमान कितने डिग्री फॉरेनहाइट में है, यानी कि सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन है बुक के पेज नंबर 84 पर सेम पैटर्न पे 200 डिग्री फॉरेनहाइट इन डिग्री सेल्सियस, यानी कि सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ये सॉल्यूशन दिया गया है, इसी के आधार पे आप उसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 55। जसपाल ने एक पुरानी कार 118,000 में खरीदी और 7,000 उसके रखरखाव पर व्यय किए, यदि उसने वह कार 140,000 में बेची तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अगर आप केवल लाभ की बात करते तो आप उसे प्लस माइनस करके बड़ी आसानी से निकाल लेते, लेकिन प्रतिशत ज्ञात करना है तो कन्फ्यूजन होगा। उसी के लिए बुक के पेज नंबर 38 पर हम देखते हैं ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। राहुल परचेज अ चेयर फॉर 600 एंड यूजेज 200 फॉर रिपेयर्स। मतलब 600 रुपए की उसने कुर्सी खरीदी, 200 रुपए उस पर सही कराने में खर्च किए और 1,000 रुपए की बेच दी। अब इसका सॉल्यूशन दिया गया है, ये इस सवाल का सॉल्यूशन है, ये इस सवाल का सॉल्यूशन है। दो क्वेश्चन सेम पैटर्न पे हैं, ये दो स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं यहाँ पे। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है इसी तरीके से। जब आप इन क्वेश्चंस को करते हो तो पेपर में आए हुए सवालों को बड़ी आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी हुई आकृति में x का मान है, यानी कि ये x दिया गया है इसे, इसका मान ज्ञात करना है। देखते हैं कि सेम पैटर्न है, बिल्कुल देखो फिगर भी सेम है। द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड जेड आर रेस्पेक्टिवली, ये फिगर दिया गया है, इसका सॉल्यूशन ये दिया गया है बुक के पेज नंबर 72 पर। आप बड़ी, अगर आपके पास ये बुक है और आप देखना चाहते हो कि ये बातें सही हैं या गलत, तो आप बुक के इसीलिए पेज नंबर मेंशन किया जा रहा है कि आप बड़ी आसानी से देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर जो पेपर हो चुका है वो बुक से आ रहा है कि नहीं। जब प्रीवियस ईयर आ रहा है तो नेक्स्ट ईयर वाला एग्जाम 100% बुक से आएगा। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम लगाने पर बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन सा भिन्न होगा। Which option shows fraction arranged in ascending order? यानी कि जो ascending order में लगाने का pattern है, solution है, उसी से ये सवाल होगा। पहले हमें इसे ascending order में लगाना होगा, फिर देखना होगा count करके, और ascending order के लिए solution ये दिया गया है page number 19 पर। जब आपको ये solution आएगा तो आप उस सवाल को second नौ में कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/9, 2/5 और 2/11, 2/7 भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। जब आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हो, उसी का अपोजिट होता है। ये असेंडिंग ऑर्डर का सॉल्यूशन है, यही सेम पैटर्न है। जब आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे तो उसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 61। 5/9, 4/11, 7/12, 6/13 भिन्नों में सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा ज्ञात करने के लिए भी वही सेम है। विच ऑप्शन सोज फ्रैक्शन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। जब असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए भी जो सॉल्यूशन हम यूज करते हैं
वही हमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा ज्ञात करने में भी पैटर्न यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, सूची एक सूची दो के साथ मिलान कीजिए। व्रत का आधा भाग, व्रत की सबसे लंबी जीवा का आधा, व्रत को दो समान भागों में बांटने वाला रेखाखंड, व्रत के सभी व्यास एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि ये जो चीजें दी गई हैं इन्हें मैच करना है व्यास से, व्रत का केंद्र, अर्धव्रत, त्रिज्या। तो इसका सॉल्यूशन कहां मिलेगा? बुक के पेज नंबर 70 पर, टर्मोलॉजी रिलेटेड टू सर्कल, सब कुछ दिया गया है। आप इसे पढ़ के जाते हो तो 100% उसका आंसर कर पाओगे सही, और बिल्कुल सही करके आओगे। व्रत के बारे में जितनी भी चीजें होती हैं सब कुछ लिखी गई हैं, आर्क, सेंटर, कॉर्ड, डायमीटर, रेडियस, सेक्टर, सेमी सर्कल। क्वेश्चन नंबर 66, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक 150 तथा 25 हैं, यदि संख्याओं में से एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लासापा और मासापा की दो संख्याएं, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन, पेज नंबर 12 पे दिया गया है। HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 6 एंड 864 रेस्पेक्टिवली इफ वन नंबर इज 96, फाइंड द अदर नंबर। सॉल्यूशन दिया गया है, ये फॉर्मूला दिया गया है, इस फॉर्मूला में लगा के बड़ी आसानी से उसका भी आप आंसर निकाल सकते हो। जब आपने ये किताब पढ़ी होगी तो फॉर्मूला आपको याद होगा, और फॉर्मूला से आप कुछ ही सेकंडों में इस क्वेश्चन का आंसर करके आप अगले क्वेश्चन पे अपने एग्जाम हॉल में बैठ के जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 68, 2.6 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम 700 ग्राम को ऐड करके कितना आएगा? देखते हैं इसके तरीके से कोई क्वेश्चन है, ये दिया गया है बुक के पेज नंबर 82 पे। ऐड 25 kg 650 ग्राम एंड 15 kg 825 ग्राम एंड 4 kg 357 ग्राम। इन्हें इस तरीके से लिख के हम ऐड कर सकते हैं, और इसी के आधार पे आप उस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, 8 छोटे घन जिनमें से प्रत्येक का किनारा 2 सेंटीमीटर है को एक बड़ा घन बनाने के लिए व्यवस्थित किया गया। बड़े घन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है, क्या ऐसा कोई क्वेश्चन है? पेज नंबर 79 पर देखते हैं, 2 solid cubes ऑफ साइड 10 cm ईच आर ज्वाइंट एंड टू एंड, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। यानी कि सेम पैटर्न है, सेम क्वेश्चन है, सॉल्यूशन भी सेम रहेगा, सिर्फ नंबर्स चेंज होंगे और आप आंसर बड़ी आसानी से कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 71, यदि 420 संतरों का मूल्य ये है तो 8 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा? देखते हैं बुक के पेज नंबर 54 पर, इफ 15 ऑरेंज कॉस्ट 150, व्हाट डू 39 ऑरेंजेस कॉस्ट। ये आपका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी सेम पैटर्न पे, यानी कि दो दो तीन तीन क्वेश्चन दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ये कुछ क्वेश्चन हैं। और इसके अलावा अलग अलग इस चैप्टर से जितने पैटर्न बन सकते हैं उन पैटर्न पे आधारित भी सारे सवाल बुक में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 16 वस्तुओं का मूल्य ये है तो 3 वस्तुओं का मूल्य होगा। सेम पैटर्न वही है, उसी के आधार पे सवाल होगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74, उस कोण का प्रकार बताएं जिसकी माप 146 डिग्री तथा 82 के दो कोण के अंतर से 26 डिग्री से अधिक है। इसे करने के लिए हमें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पता होने चाहिए, जो बुक के पेज नंबर 68 और 69 पर दिए गए हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। जब इनका नॉलेज हमें होगी तो हम बड़ी आसानी से उसका आंसर निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 40 डिग्री और 50 डिग्री हैं, भुजाओं तथा कोणों पर आधारित इस त्रिभुज का नाम बताएं। इसके लिए देखते हैं, यह दिया गया है एक्यूट एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन पेज नंबर 68 पे। आपको ये डेफिनेशन पता होगी, आप उसका आंसर 2 सेकंड में टिक करके और गोला भर के आगे बढ़ जाएंगे। और ये आपका लास्ट सवाल था जिसे आपने देखा। हमने बात की सैनिक स्कूल के रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट के बारे में, और अदर सब्जेक्ट के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि एक किताब से इतने सारे क्वेश्चन आना संभव है क्या? बिल्कुल संभव है। आप स्टडी गाइड अग्रवाल एग्जाम कार्ड की किताब पढ़ के देखिए, नेक्स्ट एग्जाम के लिए रिकमेंड कीजिए। जो एग्जाम बच्चे देने वाले हैं, आपके जानकारी में देने वाले हैं उन्हें, और वो जब इस किताब को पढ़ के एग्जाम देने जाएंगे तो अपना एडमिशन 100% सुनिश्चित कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।